whether any other decision of Punjab and Haryana High Court on that issue or any other. So when the so long the Mulots in identical matter, Punjab and Haryana High Court division and Rajasthan matters are there. And I will demonstrate. Then you forget about other High Courts. Then we fix a date and we hear you. Yes, Mulots, I am ready, Mulots. Any date we need. जय बिहार और नमस्कार मेरे साथ विचरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं। और लगातार आप सबके सवाल आ रहे थे, मैं असल में व्यस्त था किन्हीं कारणों से। उसका मुख्य एक कारण तो ये था कि PIL से संबंधित चीज़ें जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है उसको लेकर के व्यस्त था, क्योंकि भर्ती कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा लटकाई जा रही है और ये सारी पहलू। खैर ये तो बात की बात है। अभी जो अर्जेंट करंट मुद्दा है जिसको लेकर के आप सब लगातार बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे हैं, सीटेट को क्या सीटेट एक्ट के केस के तहत बाहर करने की प्रावधान चल रही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब आप देखने को आएंगे तो जिस रेफरेंस में हमारे यहाँ सीटेट के वकील जो है हमारे सीनियर एडवोकेट PK साई सर ने जो आर्ग्यूमेंट पेश किया था कि हरियाणा और पंजाब सीटेट को अलाउ करते हैं, तो उसमें जो है हरियाणा ने अभी एक ऑर्डर निकाल करके सीटेट को हरियाणा से बाहर कर दिया है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से। जी हाँ, ये एक ऑर्डर है जो आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा जिसमें लिख दिया गया। इसके बारे में आपको एक प्रत्यक्ष बात बता दूंगा, इसके बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि क्या है समस्या और सीटेट को क्या सच में बिहार में, क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट ही यही दिया गया था कि हरियाणा और पंजाब में भी सीटेट मान्य है, तो अब चूंकि हरियाणा ने बाहर कर दिया है तो क्या बिहार से भी सीटेट को बाहर कर दिया जाएगा प्राथमिक शिक्षकों से और बीटेट को ही रखा जाएगा। ये सवाल आप लोगों में से बहुत अच्छा आती है और मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, क्योंकि बिहार में रेगुलर कंडक्ट नहीं होते हैं बीटेट और बहुत सारे साथी जो हैं वो सीटेट करके ही बैठे हुए हैं और इसी भरोसे में कि सीटेट से उनका काम हो जाएगा। अब ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो सारे सीटेट वाले एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए आपकी परेशानी जायज़ है, लेकिन इसमें बहुत सारे लीगल टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको समझना पड़ेगा। रास्ता इतना आसान नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये वीडियो देखना चाहिए जो कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हुई थी उसमें ऑनरेबल जस्टिस के सामने क्या प्रेजेंट किया गया था इस कॉन्टेस्ट में, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। Pointed out that the after the division bench judgment of Honorable Punjab Haryana High Court, the state of Haryana has taken decision that the CT salary considered equivalent to a state teacher eligibility test. Therefore, the judgment has now been. I point out that is just an. तो आप इसमें देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब की रेफरेंस दी जा रही है कोर्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर आप चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। उम्मीद रखिए कि आपको जो है ना हमेशा ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी और ये जो इतना परेशानी आपके अंदर चलता रहता है ना किसी मैसेज से, वो आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको सही समझ में आ जाएगा कि किस कॉन्टेस्ट में बात हो रही है, ये बात आप समझ लीजिए। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। सातवें चरण की भर्ती को लेकर के लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, जो भी है। अब चूंकि बार बार आकर के सिर्फ वीडियो बनाना हमारा कार्य नहीं है, जो हो सकता है जो चीजें की जा सकती हैं उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप सबके बीच में रेगुलर डे पे मैं भर्ती का अपडेट लेके नहीं आ सकता हूं, लेकिन जो भी आऊंगा आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब आपके अगले इस सवाल पे सीटेट एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर जो है 16 सितंबर को आया हुआ है। ऑर्डर यह है कि द ऑर्डर इशूज बेड नंबर सो एंड सो सी ओ डेटेड सितंबर 6, 2021 बाई वर्चुअल विच आर सर्टिफिकेट ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द पोस्ट ऑफ PRT मतलब प्राइमरी टीचर और TGT इन द स्टेट हेयर बाई विड्रॉन विथ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब कि सीटेट को इमीडिएट इफेक्ट के साथ बाहर किया जाता है, इनवैलिड किया जाता है सीटेट को हरियाणा के अंदर। यही ऑर्डर आया हुआ है और इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसको ऑर्डर से इसको बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पे इसको लेकर के जो क्रियोस बनना है ये बिल्कुल सही है, आपके फैक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा तो सोचिए, रुकिए।
देखिए अगर ये ऑर्डर परस्यू होता भी है ना, तो आज तक जो सीटेड कर चुके हैं ना उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि क्या होता है जब राज्य ये डायरेक्शंस पहले से तय करके रखती है उसी के अनुरूप जो है बिहार या कोई राज्य का बच्चा अपनी तैयारी करता है। अब इसमें ये एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें हरियाणा के जैसे हर साल बीटेट नहीं होता है, यहाँ पे बीटेट 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार होगा। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के पास कोई अन्य आहारता नहीं रहती है, दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए बच्चे सीटेट करते हैं। और साथ ही सीटेट जो करते हैं उन्हें बिहार सरकार ने पहले से एलिजिबल मान रखा है, इसलिए सीटेट को जो है मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है, 15 को कल सुनवाई थी लेकिन नहीं हो पाई अपरिहार्य कारणों से, वो मुझे पता है लेकिन वो नहीं हो पाई। अगली सुनवाई आपको जल्दी देखने को डेट मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि बिहार या राज्य बिहार सरकार ने सीटेट को मान्य करके रखा हुआ है और इसीलिए बच्चे जो है वो सीटेट कर रहे हैं, नहीं तो बच्चों को कोई शौक नहीं है कि वो इजी पेपर छोड़ के टफ पेपर देने जाएं, क्योंकि सीटेट का पेपर कहीं ना कहीं बीटेट से ज़्यादा टफ होता है। ये बात तो आप सब समझते हैं, चाहे वो आप बीटेट बैकग्राउंड के हो या सीटेट बैकग्राउंड के हो, पेपर में इंग्लिश भी आ जाता है, आपको पेपर थोड़ा टफ देखने को मिलता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्यों ही देंगे सीटेट अगर उनके पास बीटेट का ऑप्शन हो। तो यहाँ देयर इज अ लैक ऑफ ऑप्शंस, आप हर साल बीटेट नहीं करा रहे हैं तो आप सीटेट को बाहर नहीं कर सकते, एक ग्राउंड ये है। दूसरा कि सरकार जब पहले से एलिजिबल करके रखी हुई है तो उन बच्चों को कैसे बाहर कर देगी जिन्होंने इसी ग्राउंड पे अपनी तैयारी की है और सरकार ने उन्हें अलाउ किया है लगातार भर्तियों में। तो इसलिए फिलहाल सीटेट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, कर लीजिए, आपके काम की ही जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए सीटेट को बाहर करना बिहार में इतना आसान नहीं होगा, नंबर वन। अब कोर्ट के ऊपर आते हैं कि अगर इसमें डायरेक्शन होते भी हैं, ऑर्डर सीटेट के खिलाफ जाता भी है तो किस तरह से जाएगा। हो सकता है कि अगर जाएगा तो आज से इस सीटेट से बाहर किया जा सकता है अगर ऑर्डर आता है तो, लेकिन आज के पहले जो लोग सीटेट कर चुके हैं उन्हें इस भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है राज्य सरकार के आदेशा अनुसार ही बच्चों ने सीटेट निकाला है, इसमें बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इस बीटेट का ऑप्शन राज्यों में उपलब्ध नहीं है, बिहार के राज्य में उपलब्ध नहीं है एवरी ईयर के तर्ज पर। इसलिए सीटेट को जितने लोग आप लोगों ने सीटेट कर लिया है, जो पिछले साल के साथी हैं या जो इस साल भी सीटेट किए हैं, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। आगे के लिए हो सकता है डिबार किया जाए, लेकिन अगर आगे भी किया जाएगा तो इससे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि राज्य हर साल बीटेट कंडक्ट कराए, क्योंकि अगर राज्य हर साल बीटेट कंडक्ट नहीं कराएगी तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा सीटेट करने के अलावा। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने सीटेट को पहले से ही अप्रूवल देकर के अपनी भर्तियों में शामिल करके रखा है, इसलिए जिन भी बच्चों को, क्योंकि ये चीज आप समझिए, आपको डराया जरूर जा रहा है लेकिन फैक्ट क्या है इसको ज्यादा समझिए कि एक बार में सारे सीटेट को बाहर कर देना तो बिहार के शिक्षा में बचेगा कहां 2016 के बाद, तो माफ कीजिएगा 2016 या 17 के बाद तो शायद बीटेट भी नहीं हुआ है, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी जानकारी के हिसाब से, तो फिर 5 साल के बच्चे कहां जाएंगे इस भर्ती में, तो फिर कोई शामिल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने तो बीटेट कराया ही नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे सीटेट करके रखे हैं उन्हें इस तरीके से परेशान, ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जो आप लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है। लीगली इसको अबेंडन कर देना, इतने सारे सीटेट के बच्चों को, लगभग लाखों बच्चों को ऐसे बाहर कर देना बिहार से। और दूसरी बात, जनसंख्या और प्रतिशत, अगर हरियाणा के सीटेट का देखा जाए और बिहार के सीटेट के बच्चों की संख्या देखी जाए तो अनुपातनन ये 4:10 का है, मतलब 10 बच्चे बिहार में सीटेट हैं और 4 बच्चे हरियाणा में। ऐसे स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी होती है, समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि सीटेट वाले बच्चे खड़े हो जाएंगे। यही ऑर्डर जो था, यही ऑर्डर आपको बीएड वर्सेस बीटीसी के विवाद में आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड को क्यों ना बाहर कर दिया जाए, तो एनसीटीई ने यही कहा था कि सर अगर अभी इन्हें बाहर कर देंगे, जबकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिया था ब्रिज कोर्स का, उसके थ्रू ही बच्चे आए हैं,
तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो बीएड करके बैठे हैं और इसी को कंसीडर करके फैसले को नहीं लिया गया था। तो यही समस्या बिहार में भी आ जाएगी कि सीटेट को अगर एक झटके से करोड़ों बच्चों को, लाखों बच्चों को बाहर कर दिया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होनी तय है, क्योंकि बच्चे अपना हक तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को पैरेलल डायमेंशंस लेने पड़ेंगे और सरकार के दिए हालात, और इसमें सरकार भी जो है सीटेट के पक्ष में खड़ी है, वो उन्हें बाहर करने के लिए अपना स्टेटमेंट नहीं दे रही है। ऐसे रास्ते में हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीटेट को थोड़ी प्राथमिकता दे दी जाए, लेकिन सीटेट का बाहर कर देना ये नामुमकिन जैसा है, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। और हो सकता है कि अगली बार से बीटेट को ही रखा जाए, सीटेट को ना रखा जाए, अगर कोर्ट का ये फैसला आता भी है, लेकिन फिर भी ये तब तक इंश्योर नहीं हो सकता कि अगर ये बीटेट हर साल नहीं कराएंगे तो सीटेट को कोई भी बैन नहीं हो सकता है और सीटेट के बच्चों को बाहर नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये मामला समझ में आ गया होगा कि ये कोर्ट केस और ये ऑर्डर जो भी आया है हरियाणा का, इससे आप कितने इफेक्ट हो रहे हैं, कितने इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए आप परेशान ना होइए, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा तोड़ा जा रहा है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। इतना आसान नहीं है यहाँ के लिए ये डिसीजन लेना, क्योंकि बिहार की स्थिति जो है हरियाणा से अलग है, बच्चों की संख्या अलग है, सीटेट वालों की संख्या अलग है, प्लस वहाँ हर एक साल दो साल के अंदर अंदर वहाँ का रेशियो देखिए तो लगभग दो साल में एक बार बीटेट कंफर्म हो जाता है, जबकि बिहार इससे बहुत दूर है साहब, इसलिए सीटेट इतने आसानी से बाहर नहीं होगा। ये चीज़ उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे, इसलिए सीटेट वाले साथी आप रिलैक्स रहिए। और हाँ, हो सकता है कि अगली बार से ऐसा रोक दिया जाए कि नहीं अब सीटेट नहीं लेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो उसके पहले बीटेट कंडक्ट कराना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान बिहार का, कोई भी निवासी, अगर उसको बीटेट का ऑप्शन मिलेगा तो वो सीटेट करने नहीं जाएगा, और बीटेट में वो सीटेट से ज़्यादा नंबर लेके आ जाएगा, बीटेट में ज़्यादा नंबर लेके आएगा और वो आराम से अपनी मेरिट को बढ़ा लेगा, तो वो सीटेट करने क्यों जाएगा। इसलिए आप परेशान ना होइए, ये सिर्फ एक मिथ है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। सातवें चरण की जहाँ तक भर्ती की बात है, आपको सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म उसके बारे में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। मेरी सूचना के आधार पर मैंने आपको बताया था कि सरकार ही डिले कर रही है, अब आपको चीज़ें दिख रही होंगी कि सरकार ही बार बार इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रही है, कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार एक बार फिर से ये भर्ती हो रही है। अब सरकारों से कोई कितना लड़ेगा, जो हमारे पास ऑप्शन हैं लीगल PIL ये सब हम प्रयास करेंगे और वही हम कर रहे हैं इतनी जल्दी। अब आप लोग कहेंगे कल फाइल कर दीजिए, देखिए PIL फाइल ऐसे नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाएगा एक ही दिन में। एज अ लॉ ऑफिसर मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही दिन में PIL उठा के फेंक दिया जाएगा, ऊपर से हेवी कास्ट भी लगा दिया जाएगा कोर्ट का टाइम ख़राब करने के लिए। इसलिए ग्राउंड्स बिल्कुल सही होने चाहिए, पुटअप होने चाहिए, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए कि वो क्यों नहीं करवा रहे हैं या फिर वो कब करवाएंगे, डिले के प्रूफ होने चाहिए। उस बेस पे जो भी है वो हम कर रहे हैं, वो हमारा कार्य है, हमने आपसे कोई पैसे इसके लिए नहीं मांगे हैं, कोई फंड नहीं मांगा है, इसलिए आप रिलैक्स रहिए। जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम वो भी करेंगे, और साथ ही एक RTI भी फाइल कर रहे हैं छठे चरण की प्रक्रिया को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, जल्दी ही उसके बारे में आपको अपडेट दे देंगे। मिलता हूँ, उम्मीद है सीटेट एक्ट आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से प्रणाम।